आईपीएल फीवर विद डीएनए में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरसीबी वर्सेस एसआरएच का जो मैच चल रहा है उसकी फर्स्ट इनिंग्स के बारे में। किस तरीके से आज विराट कोहली ने जो है बढ़िया तरीके से शुरुआत दी थी और बाद में जाके उनकी जो इनिंग्स थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो गई। अर्पित हमको ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे और अर्पित भी आज हमें बताएंगे किस तरीके से विराट कोहली के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत फैन है, बहुत बड़े अर्पित विराट कोहली के। बट आज कहीं ना कहीं एक फैन भी डिसअपॉइंटेड है विराट कोहली की इनिंग जो बाद में जाके धीमी हो गई। और पूरी हम लोग स्कोर कार्ड भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से मैच का स्कोर कार्ड रहा, प्रॉपर आरसीबी की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। तो अर्पित पहले तो बताइए विराट कोहली की इनिंग्स के बारे में अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो। जी हाँ, बस जल्दी हम आप विराट कोहली की इनिंग्स और पूरे स्कोर कार्ड की बात करते हैं, पूरे मैच की क्या रिलेटेड पूरा मैच रहा इस पर जरूर जल्दी बात करेंगे। जी हाँ, तो विराट कोहली की बात करें तो पावर प्ले में जो स्कोर था वो बहुत ज्यादा, मतलब वो तेज खेल रहे थे लेकिन फिर बाद में जो 23 गेंदों में 19 रन मारे, और अगर हम टोटल उनका देखें तो 43 बॉलों में 51 रन। स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा कम रहा, 118 का स्ट्राइक रेट रहा। तो आज की इनिंग्स तो मैं कहूंगा बिल्कुल ही फेलियर थी एसआरएच के सामने। स्कोर जरूर आपको 206 दिख रहा है, 207 का आपने लक्ष्य दे दिया है, जो कि ये नहीं कहेंगे कि पार स्कोर है क्योंकि हैदराबाद जिस तरीके से बैटिंग करती आ रही है और आरसीबी जिस तरीके से रन कुटवाती आ रही है तो उस नजर से देखे तो लग रहा है कि स्कोर सिर्फ पार स्कोर है। कुछ बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी ऐसा अगर हम बात करें आरसीबी की। और बाकी अगर हम देखें तो विराट कोहली ओवरऑल अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या उनका माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि पहले वो बहुत तेज खेलते हैं फिर वो बीच में एकदम से उनका पावर प्ले के बाद बाउंड्री ही नहीं आती है, कोई बाउंड्री ही नहीं वो स्कोर कर पाते हैं और फिर वो लास्ट में स्ट्रोक खेलते हुए में आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से तो आप मैच को अच्छे से फिनिश भी नहीं कर पा रहे हैं और मिडल ओवर्स में आप अपनी टीम का ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये अगर T20 वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिलेगा तो फिर ये इंडियन टीम के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसे मैचेस फिर गंवाने भी पड़ जाते हैं। देखिए जिस तरीके से देख रहे थे शुरुआत बहुत अच्छी करी थी विराट कोहली ने, पावर प्ले का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था, मगर जो आखिरी की 23 बॉले हैं उन्होंने खेली उन्होंने मात्र 19 रन बनाए, बाउंड्रीज हमें देखने को मिली नहीं उनके अनुसार। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि विराट कोहली मोमेंटम जो है वो प्रॉपर रखेंगे, और शुरुआत में आपको याद भी है कि 4 ओवर में जब फाफ और विराट ओपनिंग भी करने आए तो 4 ओवर में 50 रन के करीब बन गए थे, तो उस नजर से हमें भी लग रहा था कि टोटल 220-240 के करीब जाएगा, जिसमें विराट भी अगर आउट भी हो गए तो मारते हुए आउट हो जाएंगे और बड़ी पारी की तरफ देखेंगे। लेकिन इस तरीके की पारी हमें उनसे नहीं चाहिए जिसमें आप बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग रेट कम कर दें और सामने वाले पे प्रेशर आ जाए। वो तो फिर आज एक अच्छी, मैं कहूंगा कि रजत पाटीदार ने जो 20 गेंदों में 50 रन मारे, 250 की स्ट्राइक रेट और 4 छक्के लगातार मारे उन्होंने मयंक मारकंडे को, वो मेरे लिए लगता है कि एक आरसीबी को पुश मिल गया, वरना तो ये स्कोर वही 170-180 रहता और फिर विराट कोहली अपना सिर पटक कर बैठे रहते कि भाई अब आरसीबी बॉलिंग। वो कहीं ना कहीं एक आज क्रेडिट कैमरन ग्रीन को जरूर मिलना चाहिए, जिस तरीके से एंड में मोमेंटम जारी रखा जो पाटीदार ने सेट कर दिया था, एंड में भी बाउंड्रीज निकाली उन्होंने। आज कैमरन ग्रीन ने 185 के स्ट्राइक रेट से खेला और कई बाउंड्रीज उन्होंने मारी कैमरन ग्रीन। लेकिन ये कि वो मस्कुलर पावर जो हम चाहते थे ना वो हमें कहीं पे भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि कोई भी शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। बात करिए डुप्लेसी भी अच्छी तरीके से 208 के स्ट्राइक रेट शायद खेल रहे थे, वहां पे भी बढ़िया खेल रहे थे वो, और शुरुआत अच्छी मिली उस हिसाब से जिस तरीके से स्कोर होना चाहिए था वैसा आप स्कोर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि एंड बहुत स्लो हो गए मिडिल ओवर्स में जो विकेट्स आए वहां से पारी थोड़ी धीमी हो गई। इंपैक्ट प्लेयर देखिए आप स्वप्निल सिंह को भेजा है, इनके बारे में अगर बताएं तो ऑलराउंडर है ये, आरसीबी ने इनको लिया था और स्लो आर्म लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स कराते हैं, तो वही है कि मयंक डागर की जगह आज इनको ट्राई करा जा रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इस सीजन, आगे के लिए आपको किस तरीके से टीम अपनी बिल्ड करनी है। थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक वाला दिमाग में होगा कि स्पिनिंग ट्रैक होगा और उसी वजह से उन्होंने आरसीबी ने विल जैक्स से शुरुआत करी थी और ट्रैवल सेट का विकेट गिर गया अगर आपको अपडेट दे दे तो जी। तो एक थोड़ा आरसीबी के लिए अब तक फिलहाल आरसीबी आगे चल रही है, बट एक बार स्कोर कार्ड के लिए प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं। आप विराट कोहली फैन है, आप आरसीबी फैन है, आप बता सकते हैं स्कोर कार्ड किस तरीके से। जी ओवरऑल मैंने विराट कोहली का आपको स्कोर कार्ड बताया था कि 118 की स्ट्राइक रेट, वहीं फाफ डुप्लेसी 12 गेंदों में 25 रन, 208 की स्ट्राइक रेट, विल जैक्स आज नहीं चल पाए हैं वो, रजत पाटीदार ने एक बहुत ही रिमार्केबल इनिंग्स खेली जिसमें 20 गेंदों में 50 रन मार के 5 छक्के मारे, कैमरन ग्रीन के भी चौके आए लेकिन वो मस्कुलर पावर मुझे नहीं देखने को मिला जो हम बात भी कर रहे हैं, वो अभी भी मिसिंग है। महिपाल लोमरो भी अब एक मैच या दो मैच में उनकी इनिंग्स आई है, वरना उनका भी अब सीजन कुछ खास नहीं है। दिनेश कार्तिक को तो आखिरी में बॉल से कम मिली थी, 6 गेंदों में 11 रन, उनके भी ठीक ही है, मतलब
चाहते तो सब थे कि वो 15-20 भी हो सकते थे, लेकिन ये है कि वो स्वप्निल सिंह ने वो भरपाई कर दी कि उन्होंने एक चौका और एक छक्का मार के मैच को वो लास्ट में काफी आखिरी बॉल पर वो आउट हुए, वरना बहुत ही अच्छी इनिंग चल रही थी। वहीं आप सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग देख लीजिए, क्योंकि मेरे को तो आज अभिषेक शर्मा को पहला ओवर दिया गया 10 रन दिए, तो उनकी तरफ से सही एक बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आपको दो राइटी बैट्समैन थे। देखिए अभिषेक शर्मा को पहले इससे पहले जो सीजन था वहां पे भी कई बार पावर प्ले में ओवर दिया गया था और उन्होंने विकेट भी चटकाए, बट आज वो शायद विराट कोहली सामने हो सकता है दिमाग में रख के कि स्पिनर को नहीं खेल पाते उतने अच्छे तरीके से डुप्लेसी और विराट कोहली दोनों वही दिमाग में रख के दिया, बट स्टिल 10 रन आके मैं कहूंगा डिसेंट शुरुआत। लेकिन ये एक सरप्राइजिंग था कि भुवनेश्वर कुमार को मात्र एक ही ओवर दिया गया। अब इंजरी कंसर्न था या फिर आज पैट कमिंस कोई नया स्ट्रेटजी ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद को तो 4 ओवर में देखे 55 रन उन्होंने तो लगवाए, जबकि हमने बहुत ही मैचेस में देखा है कि पैट कमिंस एक ऐसे बॉलर होते हैं जिनकी सबसे कम इकोनॉमी रहती है, और वहीं आज सबसे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव मैं नटराजन से लगातार इंप्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं। आज भी देखिए 9.5 की इकोनॉमी मैं कहूंगा कि ठीक है, बहुत खराब नहीं है, ठीक है अगर आप डेथ ओवर कर रहे हैं तो, और अगर 200 बनाए और डेथ ओवर डालते हैं तो एंड में जो आखिरी ओवर है उसमें काफी रन जाए, तो एक अगर ये वाली चीज हटा देंगे ना तो मेरे हिसाब से तो नटराजन कंसिस्टेंट रहे हैं समाजर्स के लिए। और लेकिन जो मुझे लगता है खराब किया ना वो किया एक्स आरसीबी प्लेयर ने, वो है शहबाज अहमद, कि 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और आपको 5 की भी इकोनॉमी नहीं अगर उनपे मार पा रहे हैं, जबकि रजत पाटी और मयंक मारकंडे को तो उन्होंने लिया आड़े हाथ, लेकिन इसका जो भरपाई थी वो कर दी पूरी मयंक मारकंडे, एक्स एमआई प्लेयर जी, उन्होंने कहा कि भाई तुम भैया शहबाज अहमद रोक रहा है तो मैं उसको पूरा, एक ही ओवर में वो गेम चेंज हो गया जब वो 4 छक्के उनको लगाए गए पाटीदार द्वारा। पाटीदार ने हमें पिछले मैच में भी जिस तरीके से आपको याद होगा सुरेश शर्मा के वो पीछे पड़े थे, तो लेग स्पिनर के खिलाफ तो पाटीदार बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल भी और अटैक भी पूरा कर रहे हैं। वहीं जयदेव नटकट ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर जयदेव नटकट भी अच्छा कर रहे हैं समय उसके लिए, विकेट चटका रहे हैं, थोड़े बहुत रन कचरी कर रहे हैं, आज काफी इकोनॉमिकल रहे आज। तो ये ओवरऑल देखिए ये थी हाईलाइट सनराइजर्स किंग्स की, हम आपसे मिलेंगे पूरे मैच की हाईलाइट्स में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, हमारा स्कोर कार्ड भी चल रहा है लाइव, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितनी भी जगह आपको डीएनए दिख रहा है हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से मिलेंगे अब आपसे फुल मैच हाईलाइट्स में, कीप वॉचिंग डीएनए।